आज झामुमो जिला कार्यालय में माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन के आगमन को लेकर एक बैठक आहूत की गई। इस बैठक की अध्यक्षता झामुमो जिला अध्यक्ष श्री संजय सिंह जी एवं संचालन महालाल सोरेन ने की। बैठक में मुख्य रूप से माननीय विधायक गिरिडीह सदर श्री सुदिव्य कुमार सोनू जी, गांडेय के माननीय विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद जी उपस्थित हुए। बैठक को संबोधित करते हुए माननीय विधायक गिरिडीह सदर ने कहा कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम झारखंड सरकार की एक सफल कार्यक्रम है। इसे जन जन तक पहुंचाने में सभी झामुमो के कार्यकर्ताओं का भी फर्ज है, इसलिए सभी झामुमो के साथी इस अभियान को सफल बनाने को लेकर हर एक घर तक पहुंचे। साथ ही 4 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी का आगमन होने जा रहा है, इसके लिए सभी प्रखंड के साथियों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में झंडा मैदान पहुंचना है। माननीय विधायक गांडेय ने कहा कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में सभी तरह की योजनाओं का लाभ जनता उठा रही है। वृद्ध पेंशन, अबुआ आवास योजना, किशोरी समृद्धि योजना, इस तरह के कई योजनाओं को लेकर सरकार खुद गिरिडीह की धरती पर आ रहे हैं। सभी साथियों को बेच चराच कर झंडा मैदान पहुंचना है। खासकर गांडेय विधानसभा की उपस्थिति जोरदार रहेगी। झामुमो जिलाध्यक्ष श्री सिंह ने कहा कि गिरिडीह जिला समिति के लिए गौरव की बात है। आपकी योजना, आपकी साकार, आपके द्वार कार्यक्रम का तीसरा चरण का कार्यक्रम के तहत माननीय मुख्यमंत्री दिनांक 04 दिसंबर को गिरिडीह के झंडा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे, जहां हजारों लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे, साथ ही लोगों को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के बाद संध्या 4 बजे से गिरिडीह महाविद्यालय के परीक्षा भवन के सभागार में 4 जिलों गिरिडीह, धनबाद, बोकारो एवं कोडरमा के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आयोजित बैठक को संबोधित करेंगे। पूर्व विधायक धनवार निजामुद्दीन अंसारी, पूर्व विधायक गांडेय प्रोफेसर जेपी वर्मा, अखिलेश महतो, राजू महतो, अजित कुमार पप्पू, शहनवाज अंसारी, गौरव कुमार, गीता हाजरा, प्रमिला मेहरा, सोनी जी, युवराज महतो, जाकिर हुसैन, कौलेश्वर सोरेन, चांद रसीद, रवि वर्मा, फरदीन अहमद, अभय सिंह, टुन्ना सिंह, नूनूलाल किस्कू, मुमताज वारसी, सईद अख्तर, चांदमल, राजेश सिंह, हीरालाल महतो, शत्रुघ्न मंडल, बरकत अली, इरशाद अहमद वारिस, सुरेंद्र सिंह, रिंकू बरनवाल सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। दिनांक 4 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी का गिरिडीह में कार्यक्रम प्रस्तावित है। उसी कार्यक्रम की तैयारी को लेकर आज हम लोगों ने एक बैठक आहूत की थी पूरे जिले के प्रखंड अध्यक्ष सचिवों की, महत्वपूर्ण जो वरिष्ठ साथी कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, उनको हम लोगों ने आज बुलाया था। और हम लोगों ने जो आपकी योजना, आपकी सरकार कार्यक्रम जो झंडा मैदान में दिन के 12 बजे से माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रस्तावित है, उस कार्यक्रम की भी तैयारी की हम लोगों ने समीक्षा की है। उसमें जिले से हम लोगों का कम से कम 5 से 6 हज़ार साथी कार्यकर्ता और लाभुक उपस्थित होंगे। और साथ ही 4 बजे से गिरिडीह में ही 4 जिलों के पदाधिकारियों की, पंचायत से लेकर जिला स्तर के पदाधिकारियों की बैठक के साथ संवाद स्थापित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री। उस संबंध में भी हम लोग स्थल निरीक्षण करने जा रहे हैं। गिरिडीह कॉलेज का जो परीक्षा भवन है उसमें हम लोग 1500 लोगों के बैठने की व्यवस्था को लेकर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। उसको जाकर हम लोग अभी भौतिक निरीक्षण के लिए जा रहे हैं। अगर वो जगह अगर हम लोग उपयुक्त लगा तो वो कार्यकर्ताओं का बैठक जो 4 बजे से प्रस्तावित है माननीय मुख्यमंत्री जी गिरिडीह, कोडरमा, धनबाद और बोकारो जिले के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ संवाद स्थापित करेंगे। उसी की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और शहर में किस तरीके से उनके आगमन की सजाया जाए, किस तरीके से स्वागत करें, उस संबंध में हम लोग चर्चा किया है। और अपने प्रखंड के साथियों को हम लोगों ने दिशा निर्देश दिया है और उनको लक्ष्य दिया है कि लोगों को लेके उस दिन के कार्यक्रम में आए और सफल करें कार्यक्रम। झंडा मैदान में होगा सरकारी आपकी योजना आपकी सरकार कार्यक्रम झंडा मैदान में होगा। और कार्यकर्ताओं की बैठक जो है वो हम लोग पहले नगर भवन ने हम लोगों ने सोचा था, लेकिन वहाँ बैठने की क्षमता कम है। हमें कम से कम न्यूनतम 1200 लोगों को बैठने की क्षमता वाला भवन जगह देखना है, इसलिए परीक्षा भवन हम लोग जा रहे हैं। नप्पी टाउन में कार्यक्रम नहीं, वो मुख्य कार्यक्रम झंडा मैदान में।